टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चंस थे, और ऑनलाइन क्लासेस भी हमने की हैं जिसमें कि हमने हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बाकी सब्जेक्ट की भी हमने जो टॉपिक वाइज है ऑनलाइन क्लासेस लाइव स्टार्ट कर दी हैं, जो आपके लिए सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हिंदी का टेस्ट जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू जो भी लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है, हेलो ऑल। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का संयुग कहा? वो कौन इंसान था जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य को जो है भक्ति काल को बेसिकली हिंदी साहित्य का संयुग कहा था? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गृहस्थ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, गृहस्थ। तो आप जो भी आपके आंसर हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए ताकि आपको वीडियो के एंड में पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी है, किस पोर्शन पर आपको और फोकस करने की जरूरत है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, भक्तन को कहा सिकरी सुकाम आवत जात पन्हैया टूटी विसरी गयो हरिनाम। जो ये कथन है ये कथन किसका है? तो ये कथन बेसिकली कुंभन दास का है, नंद दास का है, चतुर्भुज दास का है या फिर किशन दास का है। तो ये जो कथन है वो है आपका कुंभन दास का, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। कुंभन दास का ये कथन है, वो परमानंद के समकालीन थे और अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से दुखी होकर कहा था कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी विसरी गयो हरिनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। जो तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है वो किस में संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्णा गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और जो आंसर होगा वो है आपका सेकंड ऑप्शन, कृष्ण गीतावली में। तो तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना कृष्ण गीतावली में ही की है। तो तुलसीदास की अगर बात करें उनकी कौन सी और प्रमुख रचनाएं हैं, तो वो है उनकी रामलला, नछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाग्य प्रसन्न, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुरी समास उपन्यास है। तो अगर बात करें हम चतुरी समास की, तो चतुरी जमार उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सेकंड, निराला। जो चतुरी चमार निराला का उपन्यास है, और निराला के कुछ और उपन्यास की बात करें तो प्रभावती, अलका, बिल्लेलसूर, बकरिया, कुल्लीभाट, ये कुछ उपन्यास हैं जो निराला के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र की अगर बात करें तो चंडी चरित्र किसकी साहित्यिक रचना है ये आपको बताना है यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या फिर अंगद? आंसर आपका रहेगा ए, गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है, और इनकी रचनाओं के संग्रह को हम दशम ग्रंथ कहते हैं। इसकी शैली पूछी जाए आपसे तो वो ओजस्विनी है, और इसमें क्या है, उन्होंने 24 अवतार नामक श्रृंगार परक रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक की बात की जाए तो कौन है, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, कुबेर नाथ या इनमें से कोई नहीं? तो सिक्स का आंसर आपका रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर आपका आंसर रहेगा बी। तो तुलसीदास चंदन घीष है हरिशंकर प्रसाई की एक व्यंग परक रचना है, यानी कि इसमें व्यंग कसे गई है। और इनकी व्यंग परक रचनाओं की बात करें तो और भी है इनकी कुछ रचनाएं, हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फरे, सदाचार का ताबीज और पंगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और मेरी श्रेष्ठ स्मंग रचनाएं। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो इनकी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो बादल का नहीं है? जल, जलधि, मेघ, वारिद। तो ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी करवाया है,
इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो है आपका बी जल्दी। और जल्दी क्यों नहीं है पर्यायवाची बादल का, क्योंकि जल्दी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगर बात करें अन्य जैसे जल्दी सॉरी जलद मेघ वारी, तो ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। अगर बादल के कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो क्या उनसे होंगे, पयोद अम्बुद जलधर नीरद प्योधर और वारीधर। तो ये कुछ हैं जो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। मात्रिक विषय संयुक्त छंद है, जो मात्रिक विषय संयुक्त छंद है वो क्या है, छप्पे कुंडलिया हरिगीतिका या फिर सोरठा। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी कुंडलिया। तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद क्या है, बेसिकली कुंडलिया है और इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा होता है, एक रोला होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। तो छप्पे मात्रिका विषम छंद है और हरि गीतिका मात्रिका सम छंद है, तथा अगर सोरठा की बात करें तो सोरठा मात्रिक अर्ध सम छंद है। यहाँ पर सो सुख सूजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो आपका कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें आपका जो अलंकार होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसलिए है क्योंकि एक ही वर्ण यानी कि स की आवृत्ति कई बार हुई है और जहां पर वर्णों की आवृत्ति हुई है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्ति पर निबंध छपे हैं। तो कुट्टी चाटन के नाम उपनाम से अगर देखा जाए तो किसके निबंध छपे हैं, मुक्तिबोध आगे भारत भूषण अग्रवाल या फिर नेमी चंद्र जैन। आंसर आपका रहेगा बी अग्ने के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुट्टी चाटन के उपनाम से अनेक व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। आतमने पद एवं भवती उसके उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध कहाँ संकलन है, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। और इनके अन्य निबंध संकलन की बात करें तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती। अन्न को पचाने वाली अग्नि है, अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है, आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है, जठर अग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि या फिर दावानल। आंसर आपको यहाँ पे रहेगा कि अन्न को पचाने वाली अग्नि को हम क्या बोलते हैं, जठर अग्नि। तो ये तो अन्न को पचाने वाली है। अगर समुन्दर की अग्नि को हम बोलते हैं यहाँ पर बड़वाग्नि, दावाग्नि हम किसको बोलते हैं, जंगल की आग को। कालिदास हजारा की रचना किसने की, कालिदास हजारा की रचना पूछी जाए तो कालिदास हजारा नाम का ये मुक्तक ग्रंथ है ये किसने लिखा, की रचना किसने की है, भारतेंदु घनानंद चिंतामणि या कालिदास। तो आंसर है आपका डी कालिदास जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात करें तो वो है परीक्षा गुरु, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इस रचना में बेसिकली दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है और भाग्यवती की जो यहाँ पर लिखा गया है ये श्रद्धा राम फुलोरी कृत उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपके कंसेप्ट जल्दी क्लियर होंगे और आपको एग्जाम क्लियर करने में आसानी रहेगी। जो भी ऑप्शन दिए गए हों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि चंडी चरित्र किसकी साहित्यिक रचना है, आपने उसका आंसर दिया तो बाकी जो लिखे गए हैं उसकी भी रचनाओं के बारे में आपको देख लेना चाहिए ताकि अगर कोई और रचना आती है तो आपको उसका आंसर याद रहे। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सफेद कोआ कहानी के लेखक कौन है। अगर सफेद को कहानी के लेखक पूछा जाए तो वो है मंजुल भगत। इसके साथ साथ बाकी जो भी राइटर्स लिखे गए हैं आप उनके जो कहानियां उपन्यास जो भी जिन्होंने लिखा है उस पर भी आप नजर डालें। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वर्ग के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक बताना है आपको कौन है, तो सत्यदेव प्रिवार्षक, राहुल सांकर त्यान,
यशपाल या अग्गे। आंसर जो आपका यहाँ पे रहेगा ये रहेगा यहाँ पर बी, ठीक है। तो बी यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका। तो इनके द्वारा और भी यात्रा वृत्त लिखे गए हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूप में 25 मास, और एशिया के दुर्लभ भूखंडों में आदि। अब बात करते हैं 17, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। आपको बताना है कि आवारा मसीहा ये जीवनी है तो ये किसकी जीवनी है, प्रेमचंद की, पंत की, शरद चंद्र की या फिर निराला की। तो ये जो जीवनी है वो है शरद चंद्र की जीवनी है। अगर आपसे पूछा जाए किसने लिखी, तो ये लिखित है विष्णु प्रभाकर द्वारा। और जो प्रेमचंद्र की जीवनी है, अगर वो आपसे पूछा जाए यहाँ पर, तो प्रेमचंद्र जी की जीवनी है कलम का सिपाही। और ये कलम का सिपाही प्रेमचंद्र जी की जीवनी किसने लिखी है, ये लिखी है अमृत राय ने। और यहाँ पर पंत है सी ऑप्शन, तो पंत की जीवनी का ना के लेखक कौन है, शांति जोशी। और निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना, ये सब किसने लिखा है, रामविलास शर्मा ने। तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करके चलने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 18। 18 क्वेश्चन है, संदर्भ के लेखक हैं, संदर्भ के लेखक कौन है, डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर डॉक्टर विनय यहाँ पे जो है वो संदर्भ के लेखक हैं, इनकी और कृतियों की बात करें तो है एक पुरुष और दूसरा राग और पुनर्वास का दंड। तो ये कुछ इनकी कृतियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 19, बलदेव खटीक किसकी कविता है, बलदेव खटीक किसकी कविता है, ये आपको बताना है, धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी की या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखिए तो यहाँ पर रहेगा आपका बी, बलदेव खटीक, सॉरी बलदेव खटीक कविता है लीलाधर जगूड़ी की ये कविता है। इसके अलावा अगर जगूड़ी के बारे में देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, इनकी एक और कविता फेमस है जिसका नाम है इस व्यवस्था में। और इसके अलावा इनके कुछ और कविता संग्रह की बात करें तो नाटक जारी है और बची हुई पृथ्वी। आंसर देखते हैं 20वां, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह क्या है। अगर निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी की बात करें तो कौन सी है, परिंद, बंजर, तलाश या इनमें से कोई नहीं। तो निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उखाड़ने वाले कहानीकार हैं बेसिकली। तो निर्मल वर्मा ने जो परिंदे है ये उनका बहुत ही जो है चर्चित कहानी संग्रह है। इसके अलावा बीच बहस में और पिछले गर्मियों में ये कुछ उनके कहानी संग्रह हैं जो फेमस हैं। और कहानियों की बात करें तो लंदन की रात और कुत्ते की मौत। अगला क्वेश्चन 21, लालटीन की छत के लेखक कौन है, लालटीन की छत के लेखक आपको यहाँ पर बताना है, विष्णु साहनी, उषा प्रियवंदा, निर्मल वर्मा या फिर नरेंद्र कोहली। आंसर आपका यहाँ पे है इनकी लालटीन की छत किसने लिखी है, ये लालटीन की छत लिखी है निर्मल वर्मा ने, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो इनके द्वारा रची गई और लिखी गई और उपन्यास की बात करें तो कौन से हैं, वे दिन तथा चिथड़ा सुख, ये इनके कुछ बहुत ही फेमस उपन्यास है। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, सरकटी लाश ये उपन्यास के लेखक कौन है, बाबू देव की नाथ खत्री, गोपाल राम गहगरी, लज्जा राम मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है, ये है गोपाल राम गहगरी, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और इन्होंने अधिकांश जासूस उपन्यास की रचना की है। तो इनके उपन्यास की बात करें तो जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त भेद या जासूस की अय्यारी, ये कुछ इनके ऑप्शन है जो इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि नौकर की कमीज के लेखक कौन है, नौकर की कमीज के लेखक की बात करें तो कौन है, असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या फिर मृदुला गर्ग। तो ये हैं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडा लोहा इसके रचनाकार कौन है, तो ठंडा लोहा के रचनाकार की बात करें तो वो आपको बताना है यहाँ पर कौन है, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो आंसर जो आपका रहेगा वो है आपका यहाँ पर बी। तो ठंडा लोहा के जो रचनाकार हैं वो कौन होंगे, धर्मवीर भारती।
और धर्मवीर भारती की अगर कुछ और रचनाओं की हम बात करें तो हैं अंधा युग, सात गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। समाधि लेख, समाधि लेख के लेखक कौन है तो आपको आंसर बताना है चार ऑप्शंस में से, श्रीराम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा आपका, बी श्रीकांत वर्मा। अगला क्वेश्चन, आतंकवादी के लेखक कौन है, आतंकवादी के लेखक अगर पूछा जाए तो बताना है आपको कौन है, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका रहेगा कुंवर नारायण। तो आतंकवादी के जो लेखक हैं वो कुंवर नारायण हैं। इनकी कुछ और प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो हैं तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने और कोई दूसरा नहीं। ये एक रचना है इनकी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने तथा दूसरा कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं, किसान के रचनाकार हैं तो किसान के रचनाकार कौन है वो आपको यहाँ पर बताना है, मैथिलीशरण गुप्त, निराला, हरिओत या फिर प्रसाद। आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ए, मैथिलीशरण गुप्त। तो मैथिलीशरण गुप्त हैं जो किसान के रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग, जय दद्रवद, भारत, भारती, पंचवटी, झंकार, मंगलघट और नहुष। विश्वामित्र, इसके नाटक के लेखक कौन है, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कौन से बताना है कि उसके लेखक कौन है, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का ये विश्वामित्र पौराणिक आधार पर लिखा गया एक रीति नाटक है। इन्होंने पौराणिक आधार लेखक राधा एवं मत्स्यगंधा आदि रीति नाटकों की रचना की है। शेखर जोशी की रचना कौन सी है चारों में से, चार ऑप्शंस में से वो आपको बतानी है, मकान, हत्यारे, कोसी का गिटवार या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने आंसर बताना है कि शेखर जोशी की रचना कोसी का गिटवार है। ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर सी, तो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर। अगर इनकी कुछ और रचना की बात की जाए तो दाजू, बदबू, हलवाहा। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, अगर प्रयाग रामागमन के लेखक पूछा जाए तो चारों में से कौन है वो आपको बताना है, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम धन या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर आपका रहेगा सी, प्रेम धन। तो प्रयाग रामागमन के लेखक जो बद्री नारायण चौधरी, प्रेम धन है, प्रेम धन, ठीक है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो हम यहाँ पर तो भारत, सौभाग्य, जीर्ण जनपद और जो है प्रेम करने, आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका भी लिखी है और नागरी नेरी नामक पत्र भी ये निकालते थे। मधुमालती, इसके रचनाकार कौन है, अगर मधुमालती के रचनाकार की बात की जाए तो मंझन, कुतुबन, जायसी या मुल्ला दाऊद। तो आंसर आपका रहेगा ए, मंझन, ठीक है। तो इनकी अन्य रचनाएं अगर बात करें हम यहाँ पर, जो मधुमालती के रचनाकार मंजन है और मधुमालती ने मनोहर और मधुमालती के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी चलती है। तो कुतुबन ने मृगावती लिखी है, जायसी ने पद्मावत लिखा है यहाँ पर और मुल्ला दाऊद जो चौथा ऑप्शन दिया गया उन्होंने चंद्रायन की रचना की है। सहजयान, इसके प्रवर्तक कौन है, अगर सहजयान के प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन बताना है आपको, सरप्पा है, लयप्पा है, शबरप्पा है या कणप्पा है। तो कौन है आंसर, आंसर आपका है ए, सरप्पा। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोदान किसने लिखा था, आई होप मोस्टली सबने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि कैसा उपन्यास है, यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है या फिर यथोर्थमुख आदर्शवादी है। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा ए, यथार्थवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कौन लिखते थे, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद,
मैथिली शरण गोप या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? आंसर आपका रहेगा जय शंकर प्रसाद, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, किसने किया है? यामन ने, दंडी ने, आनंद वर्धन ने या फिर कुंतक ने? आंसर आपका जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा आपका आनंद वर्धन। तो आनंद वर्धन ने किया है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग सबसे पहले नवम शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंद वर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्य लोक में हुआ था। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? 36 पे हैं हम, तो ऑप्शन देख लेते हैं, दंडी, भामे, उद्भट या फिर राजशेखर। आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, भामे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक है, जन्मेजय का नागयज्ञ लेखक कौन है? तो इनके लेखक की बात की जाए तो पंत है, निराला है, प्रसाद है या हरिहोत है? तो आंसर आपका रहेगा सी, प्रसाद है। इसके अन्य प्रसिद्ध नाटक पूछा जाए तो सज्जन, कल्याणी, प्रीणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, एक भूत, चंद्रगुप्त, धुर, स्वामिनी। तो ये कुछ है इनके जो इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आंसर आपका रहेगा लल्लू लाल, बी। अगला क्वेश्चन, उदय भानचरित के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाल्लाह खान। तो आंसर है आपका बी। तो यहाँ पे जो दिया गया है उदयपान चरित्र, उसके साथ साथ इसको बोला जाता है रानी केतकी की कहानी, तो इसके लेखक है इंशा अल्लाह खां। जबकि लल्लू प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं प्रेम सागर, सदल मिश्र ने लिखा है नासिकेतकोपाख्यान, और सदा सुखलाल ने लिखा है सुख सागर। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने, गार्सा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर मिश्र बंधु ने? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, गार्सा दत्तासी ने। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में अगर आपसे समास पूछा जाए तो आई होप ये सबको पता है, तो आंसर रहेगा कर्मधारय। सागर मुद्रा के लेखक, सागर मुद्रा की रचना किसने की है? मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर। तो सागर मुद्रा के लेखक कौन है? अज्ञे जी है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इनकी अन्य जो प्रमुख कृतियां हैं वो पूछी जाए आपसे तो है हरे घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक पर छाया, असाध्य वीणा आदि। रूपाब के संपादक कौन है? पंत, निराला, प्रसाद या फिर अरिहोर? तो आंसर आपका है यहाँ पर पंत, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रूपाब के संपादक, तो रूपाब के संपादक 1938 में पंत जी ने किया था रूपान का प्रकाशन। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था किंतु इसमें प्रगतिवाद शब्द नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता के लेखक नरेंद्र शर्मा, दिनकर, अंचल या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है? 44 का ऑप्शन है आपका बी, अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल अपराजिता के लेखक हैं। ये मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। मधुलिका, किरण बेला, करिल, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो अपराजिता के लेखक केवल बताया मैंने आपको रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
वैराग्य संदीपनी इसके रचनाकार कौन है? तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार की बात की जाए तो वो आपको बताना है कि कौन है। चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है आपके सूरदास, रहीम, तुलसीदास या फिर नंददास। तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। उनकी कुछ और रचनाओं की बात करी जाए तो राम लला नहुछु, रामाग्य प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, भैरव रामायण, देहावली और हनुमान बाहु, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। बूंद आघात सह गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। तो इसमें आपको अलंकार बताना है कि बूंद आघात सह गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका उपमा, उपेक्षा, उदाहरण या रूपक। अंतर आपका रहेगा बी उदाहरण। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे आया है, उदाहरण दिया गया है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उज्ज्वल, कवयित्री, कवयित्री या फिर मोक्ष। तो आपको बताना है कि कौन सी जो वर्ड है वो गलत लिखा गया है। तो कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन इसका कवयित्री का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। धनंजय, इसमें धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव या कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो समास है वो है आपका बहुव्रीहि समास। कि अन्य पद प्रधान समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इन दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति जो है वो कार्य करते हैं। जननी तो जननी भई, विधि सन कछु न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो आपका रहेगा वो है आपका सी लाटानुप्रास। लाटानुप्रास कैसे है? क्योंकि जहां शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही हो, केवल अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक की बात करें तो घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। तो आंसर आपका रहेगा ए, सुजान सागर घनानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो है विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली और कर्पाकांड, ये हैं। विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? आई होप सबको पता होगा, अवधि, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित, अवधि या खड़ी बोली। आंसर आपका रहेगा बी, ब्रज भाषा में लिखी गई है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इसका अर्थ क्या है? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा हम बोलते हैं कई बार, तो उसका अर्थ क्या है? कि बहुत ही नाजुक मिजाज है, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल नुकसान, या फिर जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। तो आंसर कौन सा होगा आपका? डी, जो बंदा जरा सी बात पर खुश हो जाता है और जरा सी बात पर नाराज हो जाता है उसे बोलते हैं हम घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? नंददास ने, सूरदास ने, रत्नाकर ने या ब्रजवासी दास ने। तो ब्रह्मर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगर सूरदास की बात करी जाए तो सूरदास ने भ्रमर गीत की, रत्नाकर ने उद्व शतक की और ब्रजवासी दास ने ब्रज विलास की, इन भ्रमर गीत काव्यों की रचना की है। पद्मावत की विद्या क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या महाकाव्य। तो ये जायसी द्वारा लिखा गया है पद्मावत और ये एक प्रबंध काव्य है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगर जायसी की कुछ और रचनाओं की बात करें तो अजरावत, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरनामा, मसलनामा, कानावत, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। अमन का राग इसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो अमन का राग के लेखक कौन है?
यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कौन सा देना है, शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इनकी कुछ और कविताओं की बात करें तो सलोना जिस्म तथा आओ ना कुछ और कविताएं हैं इनकी, जो कुछ चर्चित कविता संग्रह हैं, उदिता, दूसरा सप्तक। अगला क्वेश्चन, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, सुंदरदास, मूलकदास, रजब या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, मलूकदास, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मलूकदास हैं। और ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, और उनकी रचनाओं की बात की जाए तो रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त बिरुदावली, पुष्प विलास, दशरथ ग्रंथ, गुरु प्रताप, अखल बानी और रामावतार लीला। और मलुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। माटी की मूर्ति की विद्या है, माटी की मूर्ति की विद्या पूछी जाए आपसे तो क्या है, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी या संस्मरण। तो आंसर पूछा जाए आपसे तो क्या रहेगा, माटी की मूर्तें जो है बेसिकली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधा गांव किसका उपन्यास है, तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं, ये यथार्थ चित्रण है। और इन्होंने क्या किया है, इस उपन्यास के, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 59 100 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी किसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा है, तो देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या नूतन ब्रह्मचारी। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, अगर पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो ये था आपका संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड या बंधु। तो आंसर करेक्ट जो है वो है आपका उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है, कथा कहानी, आत्मकथा, निबंध या फिर जीवन वृत्त। तो आंसर है आपका ए, 64 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता जीवन व्रत है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं, तो कौन है टीकाकार वो आपको यहाँ पर बताना है, फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। आंसर है आपके बी, आनंदीलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, क्या है ग्रंथ, अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति और संपत्ति शास्त्र। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, संपत्ति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था, तो किसे सौंपा था, गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरी दत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र या फिर पंडित देवी दत्त शुक्ल। तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका डी, पंडित देवीदत्त शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं कि संस्कृत काव्य के पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है, तो किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका दंडी, डी आंसर। दंडी की काव्यादर्श और दशा कुमारचित प्रसिद्ध रचनाएं हैं। माघ की बात करें यहाँ पर तो माघ का है शिशुपाल वधम, भारवी का है किरातार्जुनीयम, उपमा कालिदास के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहि नीतिय अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दास है, तो किलिस्तव
इसका अर्थ है कठिनाई। डी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। तो अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से किलिस तत्व के दोष काव्य में आ जाते हैं। जो यहाँ पर पदांश दिए गए हैं मेघ के लिए, वो क्या है, तरु रिपु रिपु ध, तो ये शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, वृक्षा की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। तो ऐसे प्रयोगों के कारण बोध में कठिनाई है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लिष्ट तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 की बात करें तो काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका रहेगा ओज गुण, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ओज गुण के कारण काव्य में ओजस्विता है और ऐसी कविता जिसको पढ़कर चित्त स्फूर्त होता है या फड़क उठे ओज गुण से युक्त होता है। ओज गुण युक्त में कैसे आप देखोगे, ट ठ प फ ये आदि जो कठोर वर्ण होते हैं इनका ज्यादा यूज होता है। रहमन चुप है बैठ ये देखी दिनन को फेर, जबने की दिन आई है बनत ने लागी बेर। तो इन पंक्तियों में छंद बताना है आपको कौन सा है, दोहा, रोला, सोरठा या चौपाई। तो आंसर आपका रहेगा दोहा, ए ऑप्शन इसका राइट। तो दोहा अर्थ सममात्रिक छंद है और इसके समचरणों में 11-11 मात्राएं हैं, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं और दोहे के विषम चरणों के प्रारंभ में जंगन नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें 69, आपकी बेटी उपन्यास की लेखिका है, आपकी बेटी उपन्यास किसने लिखा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा या फिर मन्नू भंडारी। तो आंसर आपका रहेगा डी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के उपन्यास कौन कौन से हैं, महाबोझ, आपकी बंटी, सॉरी आपकी बंटी थी वो बेटी नहीं, आपकी बंटी, एक इंच मुस्कान, ठीक है, और मृदुला गर्ग जो यहाँ पर दिए गए हैं उनकी रचनाओं की बात करें, उनके उपन्यास तो चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, कृष्णा सोपती जो यहाँ पर दी गई है उनके उपन्यास सूरजमुखी, अंधेरे में, पारो का पात्र, मित्रों मरजानी, दार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा एक लड़की है, और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है उषा प्रेमवदा, इनकी बात करें तो इनके उपन्यास है रुको की नहीं राधिका और 55 खंबे लाल दीवारे। तो ये इनके कुछ जो है रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शन, रणधीर प्रेम मोहनी या फिर कली कौतुक है। तो आंसर जो आपका रहेगा वो यहाँ पर रहेगा सी, रणधीर प्रेम मोहनी। नेक्स्ट, जो पहले कभी न हुआ हो, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, अद्भुत, अपूर्व, अभूतपूर्व या फिर अनुपम। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, अभूतपूर्व। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण जौहर, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका डी, जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण है विशाखा, अज्ञात शत्रु, कामना, जन्मे जय का नाग यज्ञ, स्कंद गुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की किरकिरी होना, इसका आंसर क्या रहेगा, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा ए, अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या है, शब्द, स्वर, व्यंजन, वर्ण। तो ये आपका डिपेंड कर सकता है वर्ड, मतलब जो भी दिया गया ऑप्शन, अगर यहाँ पे वर्ण नहीं होता तो क्या होता। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कई लोग शब्द बोलते हैं, स्वर, व्यंजन, तो सबसे पहले जो छोटी है वो है आपका डी, वर्ण। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन थी, कौन है, महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, डी ऑप्शन इज करेक्ट। गमन, गमन का विलोम की बात करें तो आना, रुकना, उतरना या आगमन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 76, सॉरी
76 तक हो गया, 77 हम देख रहे हैं। अग्नि का तद्भव क्या होगा, तद्भव बताना है आपको, अग्नि का क्या होगा, आग, दावानल, बड़वागिनी, जटरागिनी। तो आंसर आपका जो रहेगा वो है अग्नि का तद्भव आग, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। मछली के समान आंखों वाली, इसका आंसर क्या रहेगा, मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी या कोई नहीं। तो आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका सी, मीनाक्षी। अनुप्रास, अनुप्रास कैसा अलंकार है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभय अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो 79 का आपका रहेगा शब्दालंकार, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं अनुप्रास। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांशों हेतु एक शब्द, उपजाऊ, उसर, उपयोगी या फिर उन्नत। तो आंसर क्या रहेगा आपको यहाँ पर, बी उसर। प्रत्येक, इस शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा इसमें, प्रत्यय जमा एक, प्रति जमा एक, प्रति जमा एक या फिर प्रति जमा एक। तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका सी, प्रति जमा एक। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कौन सी संधि है तो आपको बताना है यण संधि है। सूर्योदय में संधि कौन सी है, सूर्योदय में का संधि होगी सूर्य जमा उदय, और इसमें जो संधि है वो है आपकी गुण संधि। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य आपको छाटना है, मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। तो आंसर जो आपका यहाँ पे रहेगा बी है, मुझे कपड़े पहनने हैं। आप डी भी बोल सकते हैं क्योंकि डी में भी सेम ही लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बी यहाँ पर सेम है और उसके साथ साथ डी भी आपको यहाँ पर सेम किया गया है। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है, भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना या सर से गठरी उतारना। तो आंसर आपका बी, प्रलोभन देना। वे सज्जन पुरुष कौन है, वाक्य में अनावश्यक शब्द है, आपको वो हटाना है। तो वो कौन सा है, वे सज्जन पुरुष है, तो वे सज्जन पुरुष हैं, इसमें जो पुरुष शब्द है वो अनावश्यक है क्योंकि सज्जन का अर्थ ही होता है कि जन, पुरुषवारी इसमें पहले से ही है, जन का मतलब पुरुष, सज्जन माने अच्छा। तो ए सॉरी सज्जन नहीं, आपका जो है पुरुष, एक से ना पुरुष, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, निराला, नागार्जुन, महादेवी, केदारनाथ। आंसर आपको बताना है कौन है, तो उसके रचयिता है निराला, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 87 निम्नलिखित में से पै वर्ग का व्यंजन नहीं है, पै वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है 87 में से, तो डी नहीं है, यानी कि यह नहीं है। तो पै वर्ग के पांच व्यंजन है प, फ, ब, भ, म, तो इसमें यह नहीं आता है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका रहेगा डी, गैर संयुक्त व्यंजन नहीं है, शेष तीनों है। 89 देख लेते हैं, हमारे 12 क्वेश्चन बच गए हैं 100 कंप्लीट होने में। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ, प्रेमचंद्र की मृत्यु आपसे पूछी जाए तो वो हुई आपकी 1936 ईस्वी में। तुरंग, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। सही शब्द आपको छाटना है, अनिष्ट, 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 तो कौन सा रहेगा आपका सही शब्द आपका अनिष्ट, यानी कि बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची नहीं है, अवनीत, प्रीनीत, नवनीत या इनमें से कोई नहीं, तो नवनीत ये जो है पर्यायवाची शब्द है मक्खन का। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है, अर्धविराम है आपका कौन सा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अर्धविराम आपका ये है, कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं, ये अल्पविराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि सबने पढ़ी है, फर्स्ट क्लास से ही देवनागरी है। दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या क्या होती है, तो वो होती है आपकी 11, 11 मात्राएं होती हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 96 निम्नलिखित में से किस मुहावरे के समान उसका सही अर्थ लिखा हुआ है, घड़े घड़ो पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, खेत रहना, खेत में वास करना, अर्ण रोदन करना, जंगल में रोना, गुलर का फूल होना, आदर्श होना। तो 96 का डी है आपका, क्योंकि गुलर का फूल होना का मतलब है गुलर का फूल दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं आदर्श होने। तो सही अर्थ आपका यहाँ पर डी है, तो सही पूछा गया था यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है, तो निम्नलिखित में से सही वाक्य शायद मैं कल आऊंगा, मैं शायद कल आऊंगा, शायद मैं कल आऊं, तो सी ऑप्शन इज आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मापरान व्यंजन नहीं है, ख, भ, व, ठ, तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा प, पे जो है वो मापरान व्यंजन नहीं है, ये अल्प प्राण व्यंजन है।
99 साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो साप्ताहिक जो है आपका वो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें संख्या आई है 7 दिन। निम्नलिखित में व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जो आपके कौन सा शब्द शुद्ध है, सॉरी, तो जो सही लिखा गया है वो लिखा गया है आपका आशीर्वाद, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आशीर्वाद।